तो पी एन एल अप्रोप्रिएशन में क्या क्या आता था भाई, सबसे पहले हमारा प्रॉफिट आता था, तभी ये अकाउंट बनता था, वो प्रॉफिट आता था और साथ में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आती थी। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होती थी, जो भी पार्टनर ने ड्राइंग करी है उसमें पार्टनर इंटरेस्ट दे रहे हैं बिजनेस को, तो ये बिजनेस का क्या होता था, फायदा होता था। तो जो भी ये फायदा होता था तो ये पार्टनर कैपिटल, मतलब जो फायदा होता था बिजनेस का तो फायदा होता था, पर पार्टनर कैपिटल कम करता था। और जो भी चीजें पार्टनर कैपिटल कम करती है वो किस साइड आती है, डेबिट साइड आती है पार्टनर, तो हम डेबिट साइड ले जाते थे इसे। और साथ में भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है तो ड्राइंग्स भी करी होगी उन्होंने, तो ड्राइंग्स भी लिखते थे। ठीक है, कभी कभी ऐसे भी होता है ड्राइंग्स की इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी नहीं होती, ये मत सोचना कि ड्राइंग्स आएगी आएगी हमसे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या था भाई, कभी जो सैलरी देते थे सैलरी यहाँ पे लिख देते थे और साथ में सैलरी कैपिटल बढ़ा देती थी तो पार्टनर की, तो यहाँ पे लिख देते थे। याद करो जितने पार्टनर होते थे उतने कॉलम बनते थे, चार पार्टनर तो चार कॉलम बनेंगे ए बी सी डी। ठीक है, और उन्हीं के कॉलम में वही एंट्री होगी जिसको जो मिला हो, याद है। ठीक है, फिर लास्ट में हम क्या करते थे, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, टोटल कर देते थे। ठीक है, देखते थे किसका क्रेडिट साइड का बढ़ा है, किसका डेबिट साइड का बढ़ा है। मैंने बताया था 99% केस में क्रेडिट साइड का बढ़ा है, बात समझ आई। तो अब हम इसको मिटा के हम कंपनी स्टार्ट करते हैं, ये तो शाम को होती है। हम क्या पढ़ रहे थे, हम कंपनी में पढ़ रहे थे, जहां तक मेरे को याद है केसेस पढ़ रहे थे, जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन में हमें क्या क्या करना होता है। ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन के तीन केसेस होते हैं, एक होता है रिजेक्शन, कंपनी के होगा भाई एक एक थे, एक था रिजेक्शन का केस। रिजेक्शन का मतलब क्या है, मान लो मैंने बताया था वैक्सीन का एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, वैक्सीन पड़ी है हमारे पास 100 लोग आ गए 200, तो 100 लोगों का क्या करेंगे बता, तू खुद बता, वापसी भेज देंगे ना भाई ने क्या बताया भाई को यूट्यूब पे मैं दिखाऊंगा लास्ट में अपने भाई। ठीक है, तो हम 100 लोगों का क्या करेंगे, वापसी भेज देंगे। तो सबसे पहला जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन होता था, ओवर सब्सक्रिप्शन का आप मतलब समझ सकते हो कि हमारा क्या हो गया है, मान लो जो आपका सिस्टम है जो कोविन वेबसाइट पर रजिस्टर करते हैं, ठीक है, सबने देखा है ना कोविन में कैसे रजिस्टर, हाँ भैया, तो उसमें आता है ना कि कितना बंदे रजिस्टर कर सकते हैं, फिर उसके बाद फुल बुक्ड लिखा जाता है, जैसे अभी सबने फुल बुक्ड लिखा है। पर अगर उसमें ऐसा सिस्टम ही नहीं होता था, अगर उसमें हम वो करते हमें मिलता रहता शेड्यूल, फिर वहाँ जाते वहाँ जाके पता लगता अगर कम वैक्सीन है तो भाई वो क्या करते हैं, वापसी कर देते, तो इसको क्या कहते हैं, रिजेक्शन, इसको क्या कहते हैं, रिजेक्शन। ठीक है, फिर कल जैसे जीतू भाई ने केस बताया था, जीतू भाई ने बोला था कि क्या हुआ था कि वहाँ खत्म हो गया थे बट फिर से आई थी वैक्सीन। ठीक है, तो ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो उसको इसमें प्रोराटा कहते हैं, प्रोराटा बहुत इंपॉर्टेंट केस है, हमने कर लिया था। और कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ से फोन आता है कि अच्छा 200 लोग है भाई, 50 एक्स्ट्रा वैक्सीन आ पाएगी, बाकी 50 को क्या कर दो, वापसी भेज दो, तो 150 को रखा और बाकी 50 को क्या कर दिया, वापसी कर दिया। तो प्रोराटा भी हो सकता है और साथ साथ रिजेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, फिर मैंने बताया था दो केस होते हैं, एक होता है लमसम और एक होता है इंस्टॉलमेंट। लमसम का मतलब क्या होता है, पैसे एक बार में सारे आ गए। ठीक है, और इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या है, हमारे टुकड़ों में पैसे आए, तीन टुकड़ों में मिनिमम आते ही आते, या फिर दो में भी आ सकता है, खाली एप्लीकेशन और अलॉटमेंट भी जरूरी नहीं है, फर्स्ट कॉल तक बात जाए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जो रिजेक्शन वाला केस था वो खाली लमसम, मतलब लमसम के लिए एक लौता था, अगर लमसम में हमारा आ रहा है पेमेंट तो खाली हमारे पास कौन सा केस है, रिजेक्शन। ठीक है, बट अगर हमारे इंस्टॉलमेंट में पेमेंट आ रही है तो हमारे पास तीनों केस है, तीनों। हमने रिजेक्शन कर लिया था, प्रोराटा कर लिया था, और प्रोराटा एंड रिजेक्शन करना था हमें। ठीक है ना भाई, हमारे तो बहुत सारे चैप्टर हो चुके हैं जिन्हें मैंने सुना, अच्छी अच्छी जाके जाके पढ़ाई करी। ठीक है, अच्छी बात है। तो भाई अब लास्ट का एक महीना बचा है, 15 तारीख से 15 जून से जब भी एग्ज़ाम चालू होंगे, ठीक है, हमें नहीं पता 15 जून हो 20 जून हो, तब तक मैं पढ़ाऊँगा, कोशिश करूँगा सारा होगा। ठीक है, हमारी पार्टनरशिप भी चल रही है और साथ में कंपनी भी चल रही है, दोनों का पहला पहला चैप्टर चल रहा है, दोनों टाइम क्लास होकर जैसे खत्म करवा सकते हैं करवा। ठीक है, जितना हो सकता है बस तू साथ साथ नोट करते रहिए, जब पेपर आएगा तब देख लियो बढ़िया से। ठीक है, क्योंकि जो कंपनी है ना वो खाली देखने की,
इसमें क्या करना होता है, जनरल एंट्री हमें देखना होता है, ठीक है, और बाकी जो भी होगा कॉपी वॉपी से जो रह जाएगा वो इनसे नोट कर लिया, ठीक है जी, तो भाई सब नोट कर ही ले जाता है। देखो प्रोराटा और रिजेक्शन, प्रोराटा और रिजेक्शन में क्या था, थोड़े के साथ हम करेंगे प्रोराटा और थोड़े के साथ करेंगे हम रिजेक्शन, ये कौन से केस में था, इंस्टॉलमेंट, ठीक है। देखो अब हमने क्या करा है, हमने ना 10,000 शेयर्स इशू करे, कितने शेयर्स इशू करे 10,000, बट हमारे पास एप्लीकेशन आ गए 20,000 शेयर्स की, कितने शेयर्स की एप्लीकेशन आ गए 20,000 शेयर्स, ठीक है। 10,000 अप्लाई करा है पर 20,000 की एप्लीकेशन आ गई, तो हमने क्या बोला, सिंपल सी बात है, हमारे पास बहुत सारे केस है, ठीक है, हम रिजेक्ट भी कर सकते हैं, प्रोराटा भी कर सकते हैं, प्रोराटा रिजेक्शन भी कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, हमने रिजेक्शन और वो तो सीख लिया, अब हम ये भी सीखते हैं, ठीक है। तो हमारे को बोला गया कि आधों को करो प्रोराटा और आधों को करो रिजेक्शन, ठीक है। तो केस बताता हूँ, 10 रुपये का एक शेयर था, 2 रुपये आपको मिलने थे एप्लीकेशन पे, 4 इसमें और 4 इस पे, ठीक है, अलॉटमेंट पे। ये पहले हम वर्किंग नोट बना रहे हैं, याद है ना, वर्किंग नोट बना रहे हैं, अब मैं पूरा मिटा के बनाऊंगा, ऊपर ऊपर से क्वेश्चन बता रहा हूँ खाली। तो हमने बताया कि भाई 10,000 शेयर हैं, 20,000 हमारे पास एप्लीकेशन आ रही है, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, साफ साफ पता चल रहा है, और इंस्टॉलमेंट पैसे आ रहे हैं, 10 रुपये का शेयर है, 2, 4 और 4, ठीक है। अब हमें बोला गया कि प्रोराटा और रिजेक्शन करो, प्रोराटा करो जो आपके 10,000 एक्सीज आए ना, 10,000 फालतू शेयर्स आए हैं, उसमें से 5,000 आप रिजेक्ट कर दो, कितने भी हो सकता है, वो बोल सकता है 1,000 रिजेक्ट कर दो, 2,000 रिजेक्ट कर दो, ठीक है, हमें थोड़ी पता है, क्वेश्चन बोले, क्वेश्चन बोलेगा 9,500 रिजेक्ट कर दो, खाली 500 को अलॉटमेंट दो, कुछ भी बोल सकता है क्वेश्चन, जरूरी नहीं है कि आधा आधा ही बोला हमेशा, ठीक है। तो बोला गया कि 5,000 को क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो, और बाकी 5,000 को क्या कर दो, आगे एडजस्ट कर दो, बाकी 5,000 को क्या कर दो, आगे एडजस्ट कर दो, ठीक है, ये बताया गया, ये क्वेश्चन आपको दिया। तो मैंने सबसे पहले बोला था 2 वर्किंग नोट बनेंगे, अभी मैंने 2 बनाना सिखाया था, आगे चल के हम तीसरा और चौथा भी सीखेंगे, ठीक है, आने वाला है वो जब हम तीसरा सीखेंगे और चौथा सीखेंगे, 2 से 3 दिन में अगर रेगुलर आते हैं, ठीक है। तो वर्किंग नोट फर्स्ट बनाते हैं, मैंने बोला था हमेशा बनाएंगे वर्किंग नोट, ये हमारे केस हो चुके हैं, ठीक है, ये वाला केस हो रहा है, पहले ध्यान से सुनना, वर्किंग नोट 1 क्या कैसे बनेगा भाई, हम लिखेंगे इशू शेयर कितने थे, हम क्या लिखेंगे इशू शेयर कितने, ताकि हमें पता रहे कि कितनों को मालिक बनाना है हर बार, ठीक है, कितनों को मालिक बनाना है हर बार। इशू शेयर थे 10,000 और सब्सक्राइब कितने थे 20,000, ठीक है, और 10 रुपये का एक था, फिर प्राइस क्या थे 10 रुपये, 2 रुपये एप्लीकेशन पे, 4 रुपये अलॉटमेंट पे और 4 रुपये फर्स्ट फर्स्ट पर, ठीक है, इतना लिख दिया। ये था आपका क्या फर्स्ट वर्किंग नोट, थोड़ा सा और होता है फर्स्ट वर्किंग नोट पे, पर वो कब होता है आगे चलिए वो धीरे धीरे बता, ठीक है, आप सेकंड वर्किंग नोट अभी बताएंगे, पर फर्स्ट वर्किंग नोट से हम क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं। देखो हम जनरल एंट्रीज करते थे, जनरल एंट्रीज में सबसे पहले क्या लिखते थे भाई, सबसे पहले हमारे पास पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट, सबसे पहला हमारे पास पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है, जो भी हमारे पास पैसा आया, हमारे पास पैसा कितना आया होगा, हमारे पास पैसा आया होगा 20,000 शेयर पे 2 रुपये, हमारे पास तो कोई कंट्रोल नहीं है, सारी एप्लीकेशन मंगाते हैं और जानबूझ के लोग पता है क्यों करते हैं, आप तुम बोलोगे कि भाई एप्लीकेशन भी क्यों मंगाते हो, हम एप्लीकेशन में पैसा क्यों मंगाते हैं, सॉरी हम इंस्टॉलमेंट में पैसा क्यों मंगाते हैं, तो अभी क्या बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि इंस्टॉलमेंट में पैसा इसमें मंगाते हैं ताकि क्या हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई कर पाए और देखे कि हमारे कंपनी के शेयर क्या होंगे, ओवर सब्सक्राइब, ओवर सब्सक्राइब होंगे तो इससे क्या दिखेगा, हमारे कंपनी का नाम अच्छा है, फिर हमारे कंपनी का मुंह फैलेगा कि भाई इसकी कंपनी को तो इतने ओवर सब्सक्राइब होगा, अच्छी कंपनी होगी, फिर लोग पैसा लगाते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ, रिलायंस कंपनी तो सबने सुनी होगी, रिलायंस कंपनी में जैसे हम फर्स्ट कॉल मंगाते हैं ना, मैंने एक शुरू में कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, अगर किसी को याद हो तो, रिजर्व कैपिटल याद है किसी को, रिजर्व कैपिटल याद है, रिजर्व कैपिटल का मतलब होता था, रिजर्व कैपिटल का मतलब होता था कि हमने कैपिटल कुछ रिजर्व करवा रखी है और शेयर होल्डर से हम बाद में मंगाएंगे वो पैसा, ठीक है। उसने ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट लगाया है, आपको बताता हूँ, उसने ना उसके 10 रुपये के शेयर थे, बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट चल रहा है, 10 रुपये के शेयर थे, 8 रुपये वो मंगवा चुका था, ठीक है, जैसे इसमें 6 रुपये मान लो मंगा लिए, फर्स्ट कॉल रह गई है, तो उसने अब फर्स्ट कॉल मंगवाई है, लास्ट के 2 रुपये मंगवाए, ठीक है, उसने शेयर होल्डर को बुलाया कि 7 तारीख तक, उसने बताया न्यूज़ में सब जगह आया है, जैसे अगर मैं भी शेयर होल्डर होता ना उसका, तो मेरे को भी ईमेल आ जाता
कि भाई आप 2 रुपये भिजवा दो, ठीक है, तो 2 रुपये उसने मंगवाए हैं फर्स्ट कॉल, उसने बोला आप अपने शेयर को लगा दो पूरा कर दो। आप देखो कितने सालों से है कंपनी, 2 रुपये कब मंगाए आप, ठीक है, पता नहीं कितने साल पहले उसने अपना IPO लाया होगा और अब मंगा रहे हैं इतने साल बाद। तो मैंने उस टाइम बताया था ना पैसे साथ के साथ वापसी करने होते, वरना ऐसे तो बोलेगा बाद में करेंगे वापसी, जब फर्स्ट कॉल मंगाएंगे तो फर्स्ट कॉल इतने सालों बाद मंगाए उसने, ऐसे तो लोग पागल हो जाते, आधे लोग टपक चुके होंगे और बोलेंगे कि भाई इनका पैसा मैं रख लेता, ठीक है ना। तो कंपनी के IX के बहुत स्ट्रिक्ट हो गए थे, मैंने बताया था 30 दिन के अंदर पैसा वापसी करना होता है। तो सिंपल सी बात है, पहले हमारे पास पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, पैसा कितना आएगा जितने लोग अप्लाई करेंगे सारा पैसा भेजेंगे और सारे एप्लीकेशन भेजेंगे, तो हमारे पास 20,000 लोगों की एप्लीकेशन आई और साथ में क्या होती है उन्होंने 2 रुपये दे दिए, ठीक है। क्या होता है देखो, सबसे पहले हम जब भी ऑनलाइन अप्लाई करते हैं आजकल तो जो हमारी एप्लीकेशन होती है वो ऐप पे लिखी हुई आ जाती है, वो हमारे ऐप पे लिखते हैं, हम उस पर टिक करते हैं, ठीक है, आता है ना कि ऑथराइज कर रहे हो आप उसे, देखते हो आप टिक करते हैं और साथ में हमारे अकाउंट से क्या कट जाते हैं, पैसे कट जाते हैं, ठीक है। तो पैसे भी कटे हमारी साइड से और एप्लीकेशन भी चले गई, तो हम तो कंपनी है तो कंपनी के पास पैसा आ गया और साथ में एप्लीकेशन भी आई है कि हमें शेयर चाहिए, ठीक है। तो कितने रुपये आ गए हमारे पास, 40,000 रुपये आ गए, ठीक है, बींग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव लिखेंगे इसके नीचे, पता है ना नरेशन लिखता है इसके नीचे, नहीं पता, देख भाई इसके नीचे हम नरेशन लिखते हैं बींग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दें ताकि कल को जाके पेपर में कुछ ना कुछ देख सकें, ठीक है। आप क्या कहते हैं इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, जो भी हमारे पास इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में पैसा आया हमारे पास कितना रुपया आया, 40,000 रुपये। अब हम इसे एडजस्ट करने के लिए करते हैं, हम देखो हम कौन सा केस कर रहे हैं, हमें हमने साफ साफ पढ़ लिया 5,000 क्या करने रिजेक्ट करने और 5,000 क्या करने एडजस्ट करने, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, जो एप्लीकेशन है उसमें से कुछ को मालिक बनाएंगे और कुछ को पैसा वापसी करेंगे, हम समझ चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सेकेंड वर्किंग नोट हम बना रहे हैं, सेकेंड वर्किंग नोट में हम देखते हैं कि कितनों का पैसा वापसी करना है, कितनों का पैसा वापसी करना है, 5,000 लोगों का, ठीक है। तो भाई एप्लीकेशन टू बी रिफंडेड, कुछ पैसा रिफंड करना है, कितना रिफंड करना है, 5,000 लोगों का, तो 5,000 इंटू 2 10,000 रुपये हमने क्या कर दिया रिफंड कर दिया, ठीक है। पर मैंने आपको एक और वर्किंग नोट सिखाया था, ये तो हमने सिखा दिया कितना रिफंड करना है, दूसरा हमने क्या बोलना है, जितने भी हमें एक्सिस में मिले एक्सिस एप्लीकेशन मनी रिसीव, देखो हमें मिले थे 20,000 शेयर के पैसे, उसमें से 5,000 के हमने वापसी कर दिए, बचे कितने, 5,000 बचे 5, ठीक है, तो 5,000 हमारे पास बचे एक्सिस में, एक्सिस का मतलब जितने हमें चाहिए थे उससे ज्यादा हमें कितने बचे, और उनका भी 2 रुपये आया तो उनका भी 10,000 रुपये हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ा है, जो कि हमें कहाँ अलॉट करना है, कहाँ पे एडजस्ट करना है अलॉटमेंट में, ठीक है। देखो मैंने फिर से समझाता हूँ, 10,000 हमने शेयर इशू करे थे, आ गए हमारे पास 20,000, क्वेश्चन में हमें साफ साफ बताया गया 5,000 को रिजेक्ट करना और 5,000 को आगे एडजस्ट करना, तो हमने पहले निकाला कितनों को रिफंड करना है, तो रिफंड करना है 5,000 को, 5,000 को हमने रिफंड कर दिया, तो 5,000 के इंटू 2 रुपये 10,000 रुपये हमें रिफंड करना है, और जो बाकी के 5,000 है उन्हें आगे एडजस्ट करना है, एडजस्ट करने का मतलब क्या, प्रोराटा करना है उनके साथ, प्रोराटा अलॉटमेंट करना है, ठीक है। तो भाई अब हम क्या अलॉटमेंट पे वो मंगा सकते हैं, ये हमें देखना पड़ेगा, तो अलॉटमेंट पे कहाँ है ये, अब देखो ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में कितना ड्यू होंगे, भाई हम मालिक बना सकते हैं 10,000 शेयर को वालों को, ठीक है, और कितना मंगाने उनसे, 4 रुपये मंगाने, तो कितने मंगाते हैं उनसे, 40,000 मंगाने हैं, 40,000 अभी एडवांस में आया खाली 10,000, तो बताओ एडजस्ट हो सकते हैं, ये सब एडजस्ट हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने मेरे को दे दिए इस बार 1,000 रुपये, ठीक है, तो 1,000 रुपये इस बार दे दिए, 600 रुपये हमारी फीस है, तो क्या ये अगले महीने एडजस्ट हो सकते हैं, बिल्कुल एडजस्ट हो सकते हैं, ठीक है। बट आपने मेरे को 1,500 रुपये दे दिए, तो क्या अगले महीने एडजस्ट हो सकता है, खाली 600 ही एडजस्ट हो सकते हैं, बाकी का जो 300 है वो मेरे को आपको वापसी करना पड़ेगा, वरना आपकी परमिशन लेनी पड़ेगी कि भाई हम क्या इसे अगले महीने की फीस पे लेंगे, सही कह रहा हूँ, तो अगले महीने की फीस में हम उसे एडजस्ट कर देंगे अगर क्वेश्चन में बोला होगा तो, ठीक है। इसका मतलब अगर मान लो यहाँ पे 40 होता है, यहाँ 10 होता है, हमारे पास एक्सिस पैसा आया 40, बट हम एडजस्ट कर सकते हैं खाली 10, ठीक है, तो 30,000 अभी भी बच गए, कहाँ एडजस्ट करें भाई उसे, या तो आपको वापसी करना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन में बोला होगा कि फर्स्ट कॉल पे भी एडजस्ट कर सकते हैं तो आप फर्स्ट कॉल पे ले जाओगे, ठीक है। तो मतलब हमारे पास 10,000 एक्स्ट्रा आ गया अलॉटमेंट के लिए, ठीक है,
सिंपल सी बात है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 40,000 रुपये हमारे पास है, इसमें से हम कुछ को मालिक बनाएंगे, ठीक है, हम इसमें से कुछ को मालिक बनाएंगे, कुछ का पैसा हम वापसी कर देंगे, बैंक से तो वापसी करते हैं ना, और कुछ को पैसे हम कहाँ भेज देंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कहाँ भेज देंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। तो हमने सब लिख रखा है, कितनों का पैसा वापसी करेंगे, 10,000 रुपये हम वापसी करेंगे, कितने का पैसा हम आगे एडजस्ट करेंगे, 10,000। ये देखो सेकंड वर्किंग नोट आप बनाओगे ना, तो इसमें से दो तीन चीजें तो आपको सेकंड वर्किंग नोट ही है, ठीक है। तो यहाँ साफ साफ लिख देना वर्किंग नोट टू इन दोनों में, ठीक है। अब देखो 20,000 तो हो गए, अब बाकी को क्या बना देंगे मालिक, 10,000 शेयर हम इशू कर सकते थे इंटू 2 रुपये, इनको क्या बना दिया हमने, मालिक बना दिया, ठीक है। तो पूरे पूरे एडजस्ट हो गए, देखो 40 थे तो यहाँ पे भी क्या आ गए, डेबिट में 40, क्रेडिट में भी 40, तो हमारी एंट्री बिल्कुल सही, ठीक है। आगे बढ़ा जी, तेरे पास ही आ रहा है, ठीक है। देखो सबसे पहले हमने क्या बोला, हमारे पास पैसे आए, पैसे एक्सिस में आए, ठीक है, हमारे पास एप्लीकेशन भी आई, साथ में पैसे भी आए, कितने लोगों के पैसे आए, 20,000, क्योंकि हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं, सबने पैसे भिजवाते रहे, तो भाई 40,000 रुपये हमारे पास हो गए। फिर हमने पता करा कितनों के वापस करने और कितनों के हमें क्या करना है, ठीक है। कौन वैक्सीन लगा गया, जीतू भाई वैक्सीन लगा गया, अटैक इस पे, देखा। अरे भाई गिरा मत, दिए से अभी जाए ऐसे, जैसे देखो बैंक अकाउंट डेबिट पैसा आया टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, फिर हमने सेकंड में एडजस्ट करना है, एडजस्ट करने के लिए हम सेकंड वर्किंग नोट बनाते हैं। देखो फर्स्ट वर्किंग नोट तो सबसे पहले बनाना है, सेकंड वर्किंग नोट सेकंड एंट्री के टाइम बनाना है, ठीक है। तो हमने बनाया जिसमें से इक्विटी शेयर का पैसा कुछ मालिक बनेंगे, कुछ कुछ पैसा वापसी कर देंगे और कुछ पैसा आगे अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो जाएगा। अब अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे हम, सबसे पहले मैंने अब बोला मालिक बन चुके हैं लोग, ठीक है, मालिक बन चुके हैं, ठीक है। मालिक बनने के बाद क्या होता है भाई, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, हम पहले ही मालिक बना देते हैं उन्हें, आप जरूरत नहीं, आप पहले मालिक बनाओ, ठीक है। फिर शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने कितने को बनाएंगे, ओनर कितने को बनाएंगे भाई, 10,000 हम मंगा, सॉरी यहाँ पे मालिक कितने को बनाएंगे, 10,000 × 4, 40,000 को हमने बना दिया पहले ही मालिक। अब उनसे हम पैसा मंगाएंगे, अब हम उनसे क्या बनाएंगे, पैसा मंगाएंगे। जब हमने पैसा मंगाया तो हमारे पास कितना पैसा आएगा बताना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, कितना पैसा आएगा आप बताओ। 40,000 हमने मंगाया था, बट उसमें से 10,000 हमें पहले रिसीव नहीं हो गया, वो बोलेंगे भाई हमारा तुमने एक्स्ट्रा पैसा पहले रख लिया था, ठीक है, तो तुमने बोला था और एडजस्ट कर लूँगा मैं, तुमने वापसी नहीं भेजा था, तो 40,000 में से 10,000 का पैसा हमें पहले मिल चुका है, तो हमारे पास अब कितना मिलेगा खाली, 30,000, ठीक है। मान लो मेरे पास 5 जनों की फीस आती है 3,000 रुपये, ठीक है, 3,000 रुपये आती है। इस महीने क्या करा, एक बंदे ने एक्स्ट्रा फीस दे दी, तो इस महीने मेरे पास 3600 रुपये आए होंगे, जिसमें से मैंने बोला 3,000 रुपये तो फीस है और 600 रुपये क्या है एडवांस। फिर मैंने नेक्स्ट महीने भी पढ़ाया, इस महीने मेरे पास कितनी फीस आएगी, 3,000 आएगी, नहीं मैं सोचे चल रहा 3 आएगी, पर उसमें से 600 पहले से किसी को चुके हैं, तो 3 - 600 कितनी आएगी खाली, 2400, तो इसमें भी सेम सी, तो 30,000 और 40,000 हमें आना चाहिए था, 10,000 पहले से रिसीव हो चुका है, तो 10,000 हो गया माइनस, तो कितना आएगा हमारे पास, 30,000। फिर जो नेक्स्ट फर्स्ट कॉल की एंट्री होगी उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एंट्री करेंगे हम शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, पहले ओनर बना देंगे, ओनर बनाने के हम क्या बात करेंगे, उनसे पैसा लगाएंगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, कितने रुपये मंगाएंगे, 10,000 शेयर पे। हम 10,000 शेयर पे क्यों मंगाते हैं, क्योंकि हम मालिक बना सकते हैं खाली 10,000 शेयर, और जो 20,000 शेयर थे वो तो हमने कुछ रिटर्न कर दिए, कुछ का प्रोराटा लॉट कर दिया, ठीक है, तो बचे कितने, खाली 10 ही बचे, तो उन्हीं को मालिक बनाते हैं, ठीक है। फर्स्ट कॉल पे हमने क्या करा, फर्स्ट कॉल पे हमने पैसे मंगाए, पहले करेंगे शेयर बैंक, सॉरी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और फिर पैसे आ जाएंगे बैंक अकाउंट, पूरे के पूरे पैसे आ जाएंगे, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी, कोई हमें रोक नहीं रहा है, ना कोई पैसे हमारे वो कर रहा है, मतलब रोक नहीं रहा है बात, ठीक है। तो ये एंट्री आप नोट कर सकते हैं, वैसे तो सिंपल सी एंट्रीज है ये, आपने उसमें भी कर रखी है,
ठीक है, जो पिछला वाला टॉपिक कराया था तब भी अगर नोट करनी है नोट कर लो, ठीक है। अभी मैं कराने वाला हूँ कॉल इन एडवांस और कॉल इन एरियर वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिवाइस, क्योंकि अगली क्लास से कॉल इन एडवांस और कॉल इन एरियर के बारे में थोड़ी सी चलेगा, ठीक है। देखो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, इसके बाद हमारा क्या है, एक बार कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस रिवाइज करवा देता हूँ, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, देखो मेरे से कई बार ये सवाल पूछा गया है कि कॉल्स इन एरियर अकाउंट और कॉल्स इन एडवांस अकाउंट खोलना जरूरी है, तो नहीं बिल्कुल कंपल्सरी नहीं। यहाँ कहीं देखो हमने खोला नहीं, खोला कॉल्स इन एडवांस, यहाँ कॉल्स इन एडवांस अकाउंट खुल सकता था, नहीं खोला हमने। जब जब क्वेश्चन में लिखा होगा, जैसे मेरे पेपर में क्वेश्चन आया था कि भाई कॉल्स इन एरियर अकाउंट और कॉल इन एडवांस अकाउंट आपको ओपन करने पड़ेंगे, अगर आपने ओपन नहीं करे तो आपने 4 मार्क्स कट, ठीक है। और कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट उसके लिए जिसने प्रैक्टिस नहीं करी। तो हम साथ में ये भी करते हुए चलेंगे और वो भी करते हुए चलेंगे, आपको जो आसान लगा वो कर लेंगे, ठीक है। मेरे को तो ये आसान लगता है इसलिए मैं पढ़ाता हूँ, और ज़्यादातर वो आता भी नहीं, वो पाँच बार पेपर होंगे ना 5 साल, उसमें एक बार आएगा, ठीक है। 5 साल पेपर में, जैसे मेरे पेपर में आया था, तो आपके पेपर में आना थोड़ा मुश्किल है, आएगा नहीं आएगा कुछ नहीं कर सकते। तो कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस अकाउंट तब भी हम पढ़ लेंगे, क्या पता आ, ठीक है। तो वही मैं रिवाइज करवाने जा रहा हूँ कि जब भी हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट और कॉल्स इन एडवांस अकाउंट खोलते हैं तो हमारा वो कैसे हम एंट्रीज करते हैं और कैसे हम क्या करते हैं। आपको वैसे मेरे सब कुछ लिखवा रखा है, तब भी मैं एक बार करवाता हूँ। हम कौन सा केस कराते हैं, सबसे पहले रिजेक्शन का केस कराते हैं, ठीक है, या फिर यही केस कराते हैं, ठीक है। जैसे ये केस कराना हमने, ये केस हमने करा, तो इस केस को हम कॉल्स इन एडवांस अकाउंट अगर हम खोलते हैं तो हम कैसे करते हैं, हम लिखते हैं ऊपर कि कॉल्स इन एरियर ओपन, कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, ठीक है। हमें क्या कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस खोलना है, तो सबसे पहले वही एंट्री होगी। देखो पहली एंट्री सेम होगी, पहली एंट्री बिल्कुल सेम होगी, उसमें क्या होगा, भाई तुम्हारे खाली ठीक है, कुछ और बात हो गए। देखो आप चुन रहा, देखो सबसे पहले आपने क्या बोला, पैसा हमारे पास आएगा, सेम एंट्री होगी, तो ये कॉल सिन एरियर और कॉल सिन एडवांस कहाँ पे वो करेगा, अरे जहाँ पे एक्चुअल में एडवांस में पैसा आया होगा वहाँ पे करेगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे भी आया है, यहाँ पे देखो हमारे पास कितने शेयर का पैसा एडवांस में आया, 10,000 शेयर का। एक्चुअल में हमें खाली 10,000 शेयर इशू करने थे, बट हमारे पास क्या है 20,000 शेयर आ गए, तो यहाँ पे सेम एंट्री नहीं होगी, यहाँ पे हमारे एक्स्ट्रा पैसे आए ना, तो पैसा कैसे आ गया, एडवांस में आ गया, पैसा कैसे आ गया, एडवांस में आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले तो नहीं यार, पैसा आ गया है एप्लीकेशन से, देखो देखो हाँ सही, तो बैंक अकाउंट डेबिट हमारे को पैसा आया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी टू शेयर देखो देखो पहली एंट्री क्या होगी, सेम ही होगी, जो हमारे पास पैसा आया ना वो सेम पैसा आया, कि अभी हमें पता नहीं है कि क्या पैसा आया, हम बोलते हैं भाई आते रहो, जितना 30,000 का आना है, 1,00,000 का आना है, 10,00,000 का आना है, 10 करोड़ का आना है, अपने कोई फर्क नहीं, पैसा आ गया। अब हम नेक्स्ट एंट्री में क्या करते हैं, नेक्स्ट एंट्री यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, हमने जो पैसा आया उसमें हमने ओनर भी बनाया, लोगों को एडजस्ट कराया, बेसिकली कुछ पैसा वापसी भी कराया और कुछ पैसे को हमने आगे भी भेज दिया, हमने बोला आगे चले जा अभी तेरा यहाँ पे कुछ काम नहीं, ठीक है। वही सिंपल सी बात है, हमारे पास क्या है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन पे हम जब भी हम कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस अकाउंट खोलेंगे तो कैसे खोलेंगे, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 40,000 हमारे पास आ गए हैं, 40,000 हमारे पास आ गए हैं, उसमें से हम कुछ को मालिक बना देंगे, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल, तो 20,000 हमारे पास पैसे आ गए हैं, 20,000 जो हमारे पास रुपए आए हैं, फिर उसके बाद हम कुछ पैसा वापसी कर देंगे, हमने पहले निकाल रखा हमने कितना पैसा वापसी कर दिया, बट जब हम कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोल रहे होंगे ना, तो जो पैसा हमें वो आया है, जो हमें आगे भेजना है,
जो हमें शेयर अलॉटमेंट भेजना है, तो शेयर अलॉटमेंट बाद की डेट है ना, तो पैसा हमें क्या रिसीव हो गया, एडवांस में रिसीव हो गया। पैसा हमें कैसे रिसीव हो गया एडवांस में, तो अभी जब एडवांस में रिसीव हो गया सिंपल सी बात है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, टू कॉल्स इन एडवांस। हम ऐसे नहीं लिखते, हम ये नहीं लिखते कि हमें पैसा अलॉटमेंट पे भेजना है। यहाँ पे तो हम साफ साफ क्या बताते हैं कि जो हमें पैसा रिसीव हुआ है वो अलॉटमेंट का पैसा है। जो ये नॉर्मल एंट्रीज करते हैं हम, इसमें हम क्या बताते हैं, इसमें हम बताते हैं कि जो हमें पैसा रिसीव हुआ है वो किसका पैसा है, अलॉटमेंट का पैसा है, ठीक है। बट इसमें हम साफ साफ नहीं बताते, हम बोल रहे हैं कि ये किसका पैसा है, कॉल्स इन एडवांस का। एडवांस पे पैसा आ गया, हमें नहीं पता किस कॉल का, ठीक है। हम आगे एंट्रीज करेंगे और जिसमें पैसे कम आएंगे उस हिसाब से एडवांस उसको वहाँ एडजस्ट कर देंगे, उस हिसाब से एडवांस वहाँ एडजस्ट कर देंगे। तो कितना पैसा हमें एडवांस में मिल गया, 10,000। कितना पैसा हमें एडवांस में मिल गया, 10,000, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री बिल्कुल सेम होगी, हम पैसा मंगाएंगे। हम क्या करेंगे, सबको पहले ओनर बना देंगे, हम बोलेंगे भाई तुमको हमने पहले ओनर बना दिया, ओनर हमने बना दिया, अब तुम क्या भेजो, पैसे भेजो, ठीक है। तो नेक्स्ट एंट्री क्या होगी देखना है। तो हमारे पास बैंक में हमारे पास पैसा आ गया, बैंक में कितना पैसा आया हमारे पास, खाली 30,000 रुपये आया। 30,000 रुपये कैसे आया भाई, क्वेश्चन में आपको साफ साफ बताया 40,000 रुपये आ रहे थे, 10,000 रुपये नहीं आए, क्यों, वो एडवांस में रिसीव हो चुके हैं, ठीक है। तो आप लिखोगे कि कुछ पैसा शेयर अलॉटमेंट पर रिसीव हुआ है, कितना पैसा शेयर अलॉटमेंट पर रिसीव हुआ है, 30,000। बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 हमें रिसीव हो गया है, और उसमें से कुछ पैसा हमें एडवांस पे रिसीव हो गया था। एडवांस में कितना पैसा रिसीव हुआ है, 10,000। तो आप यहाँ देखोगे कॉल्स इन एडवांस में हमें पैसा रिसीव हो गया 10,000, ठीक है। और जो भी शेयर अलॉटमेंट का पैसा है वो क्या हो गया, खत्म। अब हमें कोई और पैसा नहीं मांगा है, तो 40,000 पूरा शेयर अलॉटमेंट पर खत्म हो चुका है, ठीक है। थोड़ी एंट्री टिपिकल थी, अभी मैं फिर से करा हुआ है, ठीक है, फिर से समझाता हूँ एक बार। सबसे पहली एंट्री हमारे पास पैसा आया सेम, बिल्कुल एंट्री, हमें नहीं पता कि भाई किसका पैसा है, क्या पैसा है। नेक्स्ट एंट्री में हमने क्या करा भाई, हम क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं पैसा, कुछ को हम क्या कर देते हैं, ओनर बना देते हैं, किसी का पैसा वापसी कर देते हैं, और कुछ पैसा हमारा एडवांस में मिल जाता है, ठीक है। तो हम पहले क्या करते थे, उस कॉल का नाम लिख देते थे कि किस कॉल में, अगर मान लो कि वो शेयर अलॉटमेंट तक का है, तो हम शेयर अलॉटमेंट लिख देते थे कि ये पैसा कहाँ एडजस्ट हो जाएगा, शेयर अलॉटमेंट। इस वाली एंट्री में साफ साफ पता लगता है कि हम कहाँ तक एडजस्ट कर सकते, ठीक है। और मान लो हम कुछ पैसा शेयर फर्स्ट कॉल पर भी ले जाते हैं, तो यहाँ पर नीचे क्या डाल देते हैं, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। तो हमने क्या करा भाई, अलॉटमेंट तक जाना है, अलॉटमेंट का यहाँ पे लिखा, फिर हम सबको बोलेंगे कि भाई पैसा भेजो, हमने तुम्हें क्या बना दिया, ओनर बना दिया। तो पैसा जब भी भेजेंगे तो उतने ही भेजेंगे जितने को क्या करा, जिन्होंने अभी पैसा नहीं भेजा, तो खाली 30,000 रुपये भेजे, ठीक है। बट इस वाले केस में देखो क्या हुआ, सबसे पहले एंट्री सेम है, फिर नेक्स्ट एंट्री में क्या हुआ, जो हम यहाँ पे कॉल्स इन वो लिखते थे ना, सॉरी शेयर अलॉटमेंट, उसकी जगह क्या लिख दिया है, कॉल्स इन एडवांस। इसका मतलब क्या, हमें पैसा पहले रिसीव हो गया, हमें नहीं पता किसका रिसीव है, ठीक है। हमने सिर्फ एक अकाउंट बना दिया, हमने बताया नहीं किसका रिसीव है, तो कॉल्स इन एडवांस में हमें पैसा रिसीव हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट में हम क्या बनाएंगे, हम बोलेंगे कि भाई हमने आपको ओनर बना दिया, आप पैसे भेजो, तो वो पैसे भेजेंगे खाली 30,000। अब हम बोलेंगे भाई आने चाहिए थे 40,000, बाकी के 10,000 का है, तो हम ऊपर देखेंगे, ऊपर हम देखेंगे कि 10,000 पहले से ही मिल चुके हैं, तो 10,000 तो पहले से मिल चुके हैं, अब हमारा जो शेयर अलॉटमेंट के क्या और पैसे मंगाने, नहीं तो पूरा का पूरा खत्म हो गया 40,000। देखो ये एंट्री को कंपेयर करो, ये एंट्री को कंपेयर करो, यहाँ पे 30,000 30,000, ठीक है। शेयर अलॉटमेंट अगर 40,000 से डेबिट हो रहा है, ठीक है, तो हमें खत्म करने के लिए 40,000 से क्रेडिट करना पड़ेगा, बट हमने खाली 30,000 से करा और बाकी का 10,000 हम पहले क्रेडिट कर चुके हैं, ठीक है। तो 40,000 से डेबिट और 40,000 से क्रेडिट पूरा खत्म। बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 40,000 से डेबिट तो कर रहे हैं, पर 40,000 से क्रेडिट यहीं पे कर दे रहे हैं खत्म, और 10,000 बाकी का जो नहीं आ पा रहा वहाँ पे हमने साफ साफ लिख दिया कि वो एडवांस में आ चुका है, ठीक है। क्रेडिट यहाँ पे करा था कॉल्स इन एडवांस, कभी भी हमारे पास पैसा एडवांस में आता है तो हमारी क्या होता है, लाइबिलिटी होता है, वो हमारी क्या होता है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, लाइबिलिटी का मतलब होता है कि जब तक हम कॉल नहीं मंगाएंगे, पता है कंपनीज एक्ट में ये रूल भी है, अगर आपने कॉल्स इन एडवांस मंगा लिया, ठीक है, तो अगर आपने टाइम पे कॉल नहीं करी ना अगली अलॉटमेंट की या फिर फर्स्ट कॉल की, तो आपको इसमें ब्याज देना पड़ेगा, ब्याज 12%, ठीक है, 12 या 10 है, मेरे को ढंग से याद नहीं रहता, आपकी बुक में लिखा हुआ है 12% पे ब्याज देना पड़ेगा। तो ये 10,000 रुपये को 12% पे ब्याज समझ लो कितना हो गया, 1200 रुपये हर साल, ठीक है, तो हर साल देना पड़ेगा हमें ब्याज, तो जल्दी से जल्दी कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने नेक्स्ट एंट्री में सबको ओनर बनाया, फिर जब हम पैसा मंगाएंगे तो हम बोलेंगे जितना पैसा शॉर्टफॉल हो रहा है वो एडवांस में आ चुका, ठीक है, वो एडवांस में आ चुका।
ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, एक बार एंट्री देखते हैं, ये वाला नोट अभी मत करो, एंट्री देखते हैं। ये थोड़ा सा अजीब सा है, ठीक है, ये हम नहीं पढ़ते शुरू से, तो हमें थोड़ा सा अजीब सा लगता है, अगर तब भी हम एंट्रीज बता दें, ठीक है। कॉल सीन एरियर और कॉल सीन एडवांस, कॉल सीन एरियर और कॉल सीन एडवांस। नॉर्मल एंट्री कैसी होती है भाई, बिना कॉल सीन एरियर और बिना कॉल सीन एडवांस खोलेंगे, बट कॉल सीन एरियर और कॉल सीन एडवांस में क्या है, फॉर एग्जाम्पल हमने क्या कराया है, 10,000 शेयर मंगाया, हमने क्या करा है 10,000 शेयर मंगाए, पर हमारे पास कितना आ गए, 15,000 शेयर के पैसे आ गए, हमारे पास कितने शेयर के पैसे आ गए, 15,000 शेयर के पैसे, ठीक है। उसमें से अभी चलो एरियस ने एडवांस बताता हूँ, खाली 15,000 शेयर के पैसे आ गए, तो 5,000 शेयर पैसे एक्स्ट्रा आ गए हमारे पास, ठीक है। हमने क्या कर दिया, पूरा का पूरा क्या कर दिया, रिजेक्ट, पूरा का पूरा क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। हमारे पास कोई भी केस है, ठीक है, और पैसे एक ही बार में आ रहे हैं, क्योंकि भाई एक ही बार में आ रहे, लमसम में आ रहे, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, रिजेक्शन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, बैंक अकाउंट डेबिट, हमारे पास पैसा आया, और किसके लिए आया, टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। आप देख रहे होगे भाई, पहली एंट्री में कोई चेंज नहीं आ रहा, पहली एंट्री में कोई भी दिक्कत नहीं है, कितने पैसे आ रहे हैं हमारे पास, 15,000 शेयर पे पैसे आ रहे हैं, कितने रुपये आ रहे हैं, 10 रुपये, तो 1.5 लाख रुपये हमारे पास आ रहे हैं, 1.5 लाख रुपये हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है, 1.5 लाख रुपये हमारे पास आ गए। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एंट्री में इसे एडजस्ट कर देंगे, तो भाई शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हम डालेंगे, ठीक है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू, कुछ पैसा हमें क्या हुआ है, मालिक बना है, और कुछ पैसा हमने वापसी किया, टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। और तुम बोलोगे भैया इसमें तो शेयर ना एरियर खुला ना एडवांस खुला, जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है, पहला केस करवा रहा हूँ मैं, तो भाई इसमें जरूरत ही नहीं पड़ी, वही सिंपल सी बात है, एप्लीकेशन का पैसा आया था हमारे पास 1.5 लाख रुपये, पर उसमें से हम मालिक कितने को बनाएंगे, खाली 1 लाख को, और बाकी के 50,000 को रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि 5,000 × 10 50 होता है ना, ठीक है, इसमें कोई भी केस नहीं आया, नेक्स्ट चलते हैं। अब इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, इस 5,000 को क्या कर रहे हैं, हम प्रो डाटा करते हैं, क्या कर रहे हैं, प्रो डाटा, अभी सेम जो एंट्री करी थी ना वही करवाऊंगा। तो सबसे पहले एंट्री क्या होगी, सेम होगी, सेम कैसी होगी भाई, पैसा तो उतना ही आएगा हमारे पास, बस हमें 5,000 आगे एडजस्ट करना, ठीक है। तो नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, नेक्स्ट एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, पैसा हमारे पास आया 1.5 लाख रुपये, उसमें से हम कुछ किसी को हम मालिक बनाएंगे, ठीक है, शेयर कैपिटल में डाल देंगे पैसा, किसी का भी पैसा वापसी नहीं करना, तो टू बैंक अकाउंट तो आएगा ही, तो जो 5,000 रुपये का पैसा है वो हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया, वो हमें आगे एडजस्ट करना है, तो हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, टू कॉल्स इन एडवांस, हम ना अलॉटमेंट लिखेंगे ना फर्स्ट कॉल लिखेंगे, कहाँ पे एडजस्ट होगा हम कुछ ही नहीं लिखेंगे, हम क्या लिख देंगे, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस में कितना पैसा आया, 5,000 × ये उस केस में आता ना खाली इंस्टॉलमेंट पे, तो मान लो इसमें आना था 4 रुपये, ठीक है, 10 रुपये का शेयर था, 4, 4 और 2 आ गए, ठीक है, तो 5,000 × 4 20,000 रुपये हमारे पास आ गए, और बाकी अभी 1.5 लाख की मिलती है, मतलब 4 के हिसाब से 40, ठीक है, 40,000, और यहाँ पे 40,000 से एंट्री होगी, ठीक है, तो 1.5 लाख से नहीं होगी, या लमसम था ये वो था, एंट्री सेम होगी, ठीक है। तो शेयर एप्लीकेशन डेबिट 40,000, टू शेयर कैपिटल 40,000, टू शेयर कैपिटल नहीं यार 40 मंगा रहे हैं, बट 15×4=60 से एंट्री होगी, 40 को मालूम बनाएंगे और 20 को हम एडवांस पे देते हैं। तो देखो 60,000 रुपये हमने मंगाए थे, मतलब 40 मंगाए थे बट आ गए 60, उसमें से हमने 40 को मालिक बना दिया, और बाकी का जो 20 आया वो हमने कहाँ पे डालते थे, यहाँ पे लिखते थे हम टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बट हम अब पॉलिसी ले रहे हैं और पॉलिसी एडवांस खोल रहे हैं, तो जो भी पैसा हमारे पास एडवांस में आ जाएगा हम उस अकाउंट का नाम नहीं लिखेंगे जिसके लिए आया, मतलब देखो ये अलॉटमेंट के लिए आ गए थे हमारे पास पैसे, बट हमने क्या लिखा, ये हमें एडवांस पे रिसीव हो गए, अभी नहीं पता हमें, एक्चुअल लाइफ में ये चलता है, ये क्यों चलता है, क्योंकि भाई आपको पता है कि अलॉटमेंट की कॉल कब होने वाली है, अगर आपने यहाँ शेयर अलॉटमेंट लिख दिया ना, तो आप बोलोगे अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गए, ठीक है, आप अलॉटमेंट कर रहे हो 4 साल बाद, फिर क्या 4 साल बाद ये पैसा ढूंढता फिरोगे कि कहाँ पे है पैसा, ठीक है। तो एक्चुअल में कॉल सीन एडवांस में पैसा पड़ा रहता है, और ये जो कॉल सीन एडवांस आता है ये बैलेंस शीट में आता है, नोट्स टू अकाउंट नहीं, कॉल सीन एडवांस आता है, हाँ बैलेंस शीट में आता है, ठीक है, और जहाँ तक मेरे को आइडिया है कॉल सीन एडवांस आता है अदर करंट लायबिलिटी, ठीक है, कॉल सीन एडवांस अदर करंट लायबिलिटी में आता है, आपका एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि कॉल सीन एडवांस कहाँ आता है, बैलेंस शीट में अदर करंट लायबिलिटी, ठीक है, करंट लायबिलिटी होती है ज़्यादातर ही, अब देखो ठीक है मैं गलत भी हो सकता हूँ, एक बार आप चेक कर लेना, पर बैलेंस शीट में आता है,
तो सिंपल सी बात क्या है भाई, कॉल्स इन एडवांस का पैसा हमारे पास आ गया, फिर हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे भाई। सबसे पहले हम क्या बनाते थे, मालिक बना देते थे, तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, तो 10,000 शेयर को हम मालिक बना सकते हैं इंटू 4, 40,000 रुपये हमारे पास आने चाहिए। हम बोलते हैं भाई 40,000 रुपये आने चाहिए, ठीक है। तो हम हिसाब लगाना चालू करते हैं, बैंक अकाउंट में हमारे पास पैसा आया, हमारे पास बैंक अकाउंट में पैसा आया, कितना पैसा आया हमारे पास। हमने बोला कि भाई हमारे पास तो खाली 30,000 इकट्ठा हुआ है, फिर हमने बोला क्या कोई एडवांस तो नहीं है, चेक करो। तो हमने चेक करा, हाँ नहीं नहीं 20,000 पैसा आएगा ना, खाली 20,000 तो एडवांस है। तो हमने चेक करा कि भाई 20,000 एडवांस आ चुका है, ठीक है। तो हमने क्या बोला, जो एडवांस आ चुका है आज के दिन उसे क्या कर लो, यूटिलाइज कर लो, आज के दिन उसे क्या कर लो, यूटिलाइज कर लो। तो 20,000 हमारे पास बैंक में 20,000 आ चुका है, 20,000 हमने पहले से आ चुका था तो उसे यूटिलाइज कर लिया, ठीक है, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब जो नेक्स्ट एंट्री होगी फर्स्ट कॉल की, वो बिल्कुल सेम होगी। इसको मैं ऐसे समझाता हूँ, मान लो कि 1,000 रुपये मेरे पास किसी के बंदे की फीस है, मान लो जीतू भाई के 1,000 रुपये फीस है, इसमें 600 रुपये मैंने इस महीने यूटिलाइज कर लिए, जैसे इसमें था 600 रुपये मैंने इस महीने यूटिलाइज, मान लो 400 रुपये फीस है, 600 रुपये ये है, 600 रुपये फीस है, 400 इस महीने यूटिलाइज कर लिए, और 200 रुपये क्या हो गए, कॉल सी एडवांस, क्या आ गया हमारे पास एडवांस में आ गया, ठीक है। जीतू भाई ने मेरे को 600 रुपये दिए, 400 इस महीने यूज हो गए, और 200 रुपये क्या हो गई, कॉल सी एडवांस, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट महीने भी 600 रुपये आने, ठीक है, पर आए कितने मैं देखता हूँ, जीतू भाई देता खाली कितने रुपये, 400 रुपये फीस थी ना, आने थे 400 रुपये, पर जीतू भाई कितनी फीस देता खाली 200 रुपये। मैं बोलता हूँ 200 रुपये क्यों भैया, ये बोलेगा भैया पहले एडवांस ले लिए थे, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा भाई, 400 रुपये फीस थी, 200 रुपये पहले से आ चुके हैं, और 200 रुपये अभी क्या होगा, रिसीव होगा, ठीक है। तो मैं भी अपने बैंक में एंट्री करूँगा, बैंक अकाउंट डेबिट 200 रुपये, ठीक है, कॉल्स इन एडवांस डेबिट 200 रुपये टू जीतू भाई, ठीक है। तो यहाँ पे तो जीतू नहीं लिखेंगे, यहाँ पे अलॉटमेंट लिखेंगे, ये अलॉटमेंट शो करता है कि भाई हमने नेक्स्ट एंट्री कर दिया, हमने नेक्स्ट कॉल मंगा लिया। कॉल होती है ना, इनका नाम होता है कॉल का, कि भाई जब भी हम देखो इंडिविजुअली सबके नाम तो लिख नहीं सकते, सबके नाम नहीं लिख सकते ना, यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर होते हैं, करोड़ों लाखों इन्वेस्टर होते हैं, बताया था मैंने आपको। तो यहाँ पे एक्चुअल में बताया क्या आना चाहिए था, यहाँ पे एक्चुअली सबके नाम आने चाहिए जिन जिनको हमने कॉल कराया, मान लो तुम चारों के नाम आने चाहिए। पर ये अकाउंट हम क्यों बनाते हैं, ये अकाउंट इसलिए ही बनाते हैं, ये शो करता है कि भाई सबके नाम इसी में आ गए, अलॉटमेंट एक कॉल करिए जिसका नाम अलॉटमेंट है, वो अलॉटमेंट के हमने कॉल कर दिया। अभी मुकेश अंबानी ने मंगाया होगा तो सबके नाम लिखे होंगे, नहीं उसने भी लिखवा दिया होगा शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल मंगाइए ना उसने, उसने शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, वो सोच रहा होगा सबके पैसे आ जाएंगे, पर क्या सबके पैसे आएंगे, नहीं, ठीक है। मान लो मुकेश अंबानी के मैं चल, ठीक है, शेयर फर्स्ट कॉल का मान लो, शेयर फर्स्ट कॉल के पैसे आने थे, वो सोच के चल रहा था, उसके पास 1,000 शेयर होल्डर है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है, ये कॉल सिन एरियर वाला बता रहा है, 1,000 उसके पास शेयर होल्डर है, कितने शेयर होल्डर है उसके पास, 1,000, सबको भेजने थे 100 रुपये, तो कितने रुपये हो गए, 1,00,000 रुपये हो गए, वैसे तो करोड़ों में उसे पैसे रिसीव होंगे, ठीक है, टू शेयर कर दिया। वो तो अभी अच्छी अप्रोच लेके चलेगा, वो तो सोचेगा भाई हमने सबको क्या कर दिया है, सब हमारे इतने सालों से शेयर होल्डर थे, सब हमारे मालिक थे, ठीक है, हमने क्या कर दिया भाई, 1,00,000 रुपये उनसे अब मंगा लिए लास्ट में पैसा, तो सारे भेज देंगे, बट एक्चुअली में सारे नहीं भेजते, ठीक है। आप किसी कोई ईमेल पढ़ता नहीं है, ठीक है, जैसे मेरे पास आया होता है ईमेल, मैं तो पढ़ लेता और मैं पैसे भिजवा देता 7 तारीख से पहले, ठीक है, बट हर कोई ईमेल नहीं पढ़ता है, किसी के क्या पता भाई लॉकडाउन में फंसा हो, नेट डलवाने के पैसे ना, ठीक है, किसी के पास भाई लॉकडाउन में ही पैसे ना हो, ऐसे होता है ना, डिफॉल्ट चांसेस बढ़ जाते हैं, उसने पैसे मंगाए क्यों, उसने इसलिए मंगाए क्योंकि कंपनी को पैसे चाहिए, ठीक है। वह सिंपल सी बात है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, उसने क्या करा भाई, पहले फर्स्ट कॉल ड्यू करी, उसने बोला भाई हम आपको मालिक बना दिए, पैसे भेजे, ठीक है, बट जब पैसे भेजे गए 1,00,000 रुपये आने थे, बट आए खाली 95,000, तो उसने बोला भाई चेक करो कोई एडवांस है, तो भाई हमने बोला कोई एडवांस नहीं, इससे अलग है क्वेश्चन, पहले बता दूंगा, हमने बोला भाई कोई भी एडवांस नहीं, तो हम बोलेगा भाई 5,000 गएगा, तो बोला इन्होंने क्या कर दिया, भेजे ही नहीं है, तो जो पैसे भेजते नहीं है वो किसमें आ जाते हैं, कॉल्स इन अरियर, अरियर का मतलब क्या होता है कि भाई अभी तक पैसे आए नहीं, मंगा लिए लेकिन आए, ठीक है। तो हमने बोला भाई 95,000 तो आ गए और कुछ पैसा नहीं आया, जिसे कह दो कॉल्स इन एरियर 5,000, ठीक है। बट पहले अगर हम बिना कॉल्स इन एरियर के एंट्री करते थे तो हम क्या लिखते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, ऐसे लिखते थे, ठीक है, टू शेयर फर्स्ट कॉल, और यहाँ पे 95,000, यहाँ पे 95,000, 5,000 रह जाता है, हम पूरे ख़त्म ही नहीं करते थे फर्स्ट कॉल अकाउंट में,
बट अपने हमने क्या कर दिया, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को बोलो खत्म हो जाए। हमने बोला भाई फर्स्ट कॉल कर लिया, ये अरियर्स में है पैसा, ठीक है। तो जो अरियर्स में हमने 5,000 क्या कर दिया, वो कर दिया, क्या कर दिया, खत्म नहीं करा, ये अरियर्स में अभी पैसा ये चल जाएगा बैलेंस शीट के नोट्स टू अकाउंट में, ठीक है। ये नोट्स टू अकाउंट में जाता है और ये बैलेंस शीट के कहाँ जाता है, अदर करंट लायबिलिटी में कॉल सेल एडवांस। क्योंकि कॉल सेल एडवांस क्या अभी हमारा हो गया, नहीं भाई, जब आप उनको मालिक बनाओगे तब आप कॉल सेल एडवांस यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि अगर मैं तुम्हें अगले महीने ट्यूशन पढ़ाऊंगा तभी तो वो पैसा यूज कर सकता हूँ, वरना क्या होगा भाई, वापसी करना पड़ेगा मेरे को पैसा, सही कह रहा हूँ। वैसे ही इसमें भी क्या है कि भाई कौन सी नैरियर है, हम उनको एक और चांस देंगे कि भाई जो 5,000 आए हैं वो आप भेज दीजिए, और अगर नहीं भेजेंगे तो हम क्या कर लेंगे, उनके शेयर्स फोरफिट कर लेंगे, ठीक है। वो यही चाहता है, वो ये चाहता है कि फोरफिट कर लूँ मैं शेयर्स, कुछ 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 तो पैसा भेजेंगे नहीं हम, तो जितने शेयर वो करेंगे वो 3 दिन का टाइम देगा, उन्हें फोरफिट करवा देंगे, ठीक है। तो भाई पूरा फोरफिट का प्रोसेस भी हम अगले क्लास से 2-3 क्लास बाद सीखेंगे, ठीक है। तो सिंपल था, कॉल सिनेरियो का यूज़, कॉल सिनेरियो कब यूज़ होता है, जब हमारे पास पैसा नहीं आता, और कॉल सेल एडवांस का भी यूज होता है जब हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा आ जाए, ठीक है। तो हम कॉल सेल एडवांस अकाउंट खोल देते हैं, और कॉल सेल एडवांस हमारी लाइबिलिटी है, और कॉल सेल एरियर्स क्या है, एसेट है। एसेट क्यों है, क्योंकि भाई हमने तुम्हें मालिक बना दिया, हमें पैसा चाहिए, और कॉल सेल एडवांस क्या है भाई, हमें पैसा चाहिए नहीं था पर तुमने एडवांस भेज दिया, तभी हमें क्या है, लाइबिलिटी है, जब तक हम आपको मालिक नहीं बना, ठीक है। तो ये था कॉल सेल एरियर और कॉल सेल एडवांस का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्लास से हम फोरफीचर वगैरह करेंगे थोड़ा, ठीक है। जब क्या होता है, जब कोई पैसा नहीं भेजता और हम उसके शेयर क्या कर लेते, जब्त कर लेते, ठीक है। तो दो से तीन क्लास का कॉन्सेप्ट बचा, आप तुम पता क्या ना, आपको 12 बजे आया, 12 बजे आ जाओ, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। क्योंकि अभी मैं यार सुबह 5-6 बजे ही सोता हूँ, ठीक है। तो अभी उठने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, 12 बजे आ, 12 बजे तो आ जाओगे ना, ठीक है। तो आप ये नोट कर सकते हो, ये छोड़ देना, ये बता रहा हूँ, यहाँ एंट्री मत नोट करना, ठीक है। ये आपने पहले से ही कर रखी है, आप ये नोट करना, इसके ऊपर लिख देना कॉल से एडवांस, लिख ही देता हूँ कॉल्स इन एडवांस। अरे ये जो ये है ना, ये कॉल्स इन, ठीक है। रिलायंस का केस बताया था मैंने, रिलायंस देख दी, आप देख भी ले रहे, न्यूज़ में अभी फर्स्ट कॉल मंगाइए, उसमें लिखा हुआ है कि फर्स्ट कॉल मंगाइए। तो आज का यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। आप शाम को